हे गाइस, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हो सैड जो मैं कनबॉक्स। तो गाइस, आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वीवो V17 और ओप्पो के रेनो 2Z में। तो ये है हमारे पास दोनों ही फ़ोन, और गाइस दोनों ही फ़ोनों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देख लीजिए आप वीवो V17 की, जो कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रही होगी। उसके बाद आते हैं हमारे ओप्पो रेनो 2Z के अंदर। तो ये है हमारी इसकी फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, देखिए आपके स्क्रीन के सामने। और गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों का कैसा है स्पीड टेस्ट, देखेंगे कैसी है कैमरा क्वालिटी, कैसे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक काम करता है, वो सब जानेंगे कि और कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है। तो देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पर आपको रेनो 2 में कुछ इस तरीके से चार कैमराज दिख जाते हैं। उसके बाद वीवो में कुछ इस तरीके से आपको प्लेस किए हुए हैं कैमराज, देखिए। और दोनों ही फ़ोनों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाइस, दोनों ही फ़ोन काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन में लगते हैं और दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन की क्वालिटी आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से। तो दोनों ही फ़ोनों की मैंने ब्राइटनेस फुल कर रखी है। तो एक बार मैं ओप्पो रेनो 2Z की देख लेता हूँ, तो थोड़ी सी ऑटोमेटिक है तो मैंने फुल कर दी है। तो स्क्रीन की क्वालिटी आप देख लीजिए, दोनों ही फ़ोनों में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है गाइस। तो चलिए पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फेस अनलॉक से, कि किस तरीके से फेस अनलॉक काम करता है दोनों ही फ़ोनों में। तो यहाँ पर मैंने सामने देखा तो ओप्पो रेनो 2Z है, जो वीवो से थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट अनलॉक कर रहा है हमारी स्क्रीन को। ये देखिए, पॉपअप कैमरा होने के बावजूद भी आप देख लीजिए कितना अच्छा काम कर रहा है। व्यू भी थोड़ा सा पीछे, हल्का सा पीछे, बस 19:20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए आपके सामने ही गाइस, आप मुझे बताना, मुझे तो ओप्पो ज़्यादा बेटर लग रहा है फेस अनलॉक में। तो चलिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी चेकआउट कर लेते हैं। दोनों ही फ़ोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर स्क्रीन के अंदर ही मिलता है। तो एक बार मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाती है फिंगर हमारी कभी कभार। ये देखिए, ये विजिबल होते ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी ओप्पो है, वो थोड़ा सा फास्ट खुल रहा है हल्का सा। ये देखिए वीवो से इतना ज़्यादा वीवो भी स्लो नहीं है गाइस, बस थोड़ा सा आपको हल्का सा लैग मिलेगा, मतलब डीले है हल्का सा। एक सेकेंड में दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो हमारा जो यहाँ पर भी फिंगरप्रिंट सेंसर में भी हमारा ओप्पो जीत गया गाइस। बस ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में हमारी कभी कभार फिंगर कहीं लग नहीं पाती गाइस रियली में, ये थोड़ा सा मुझे इश्यू लगता है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल हमारा होता है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये देखिए आपको मिल रहा है, और जो हमारे वीवो V17 है उसमें पंच होल वाली डिस्प्ले मिलती है, इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो चलिए कैमरा क्वालिटी भी चेकआउट कर लेते हैं गाइस। तो चलिए सेल्फी कैमरे की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं कुछ। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा छोटा करके स्क्रीन लगाऊँ, 4:3। तो ये देखिए और दोनों ही सेल्फी कैमरे की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर दोनों ही फ़ोनों में। और गाइस, जो मुझे लग रहा है कैमरे की क्वालिटी मुझे बेटर लग रही है वीवो V17 में, यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने ही है। ये देखिए आपके सामने गाइस, तो वीवो V17 थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ओप्पो के अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है गाइस देखने के लिए, यहाँ पर हमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो गाइस, तो कैमरे में तो क्वालिटी में तो थोड़ा सा अंतर आएगा ही, आप देखिए। और कलर जो मुझे लग रहे हैं काफ़ी अच्छे, वो वीवो में ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ और मैंने क्लिक करके लाया आउटसाइड से, आप देखिए। और दोनों ही फ़ोनों में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिख जाता है। तो आप देख सकते हो जो कैमरा क्वालिटी है वीवो में ज़्यादा मुझे रियली में काफ़ी अच्छी लग रही है। आप देखिए लाइट वगैरह भी काफ़ी अच्छी आई हुई है वीवो के अंदर, आपको कलर दिखाई दे रहे होंगे गाइस। और शार्पनेस वगैरह जो है, ब्राइटनेस वगैरह जो है, सब आपको वीवो में ज़्यादा अच्छी लग रही है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो में। देखिए ओप्पो से आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा ब्लू ब्लू सा आ जाता है, लेकिन जो शाइनिंग वगैरह आ रही है हमारे वीवो V17 में ज़्यादा अच्छी लग रही है हमें, ये देखिए। तो ये है हमारे पास दोनों ही फ़ोन गाइस, देखिए दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और दोनों ही प्राइस थोड़े ज़्यादा नहीं है। जो हमारा रेनो 2Z है वो थोड़ा 25,000 रुपये का, और वीवो V17 है वो आपको 23,000 रुपये का लगभग पड़ जाता है। तो ये देखिए कुछ स्पीड टेस्ट में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हमारा रेनो थोड़ा सा जीत जाता है, बस जो कैमरा क्वालिटी गाइस मुझे मिल रही है वो कैमरा क्वालिटी वीवो में ज़्यादा अच्छी लग रही है। स्पीड के मामले में तो हमारा रेनो 2Z ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ पर देखिए दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे, आप कोई भी फ़ोन लीजिए। और आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में गाइस कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा, मैं क्या भूल गया बताना और आप क्या पूछना चाहते हो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।